हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास टेंथ एक्सरसाइज 6.5। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल्स आर गिवन। हमें ट्रायंगल्स के साइड्स दी हुई हैं, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल। क्या ये राइट ट्रायंगल्स की साइड है? इन केस ऑफ ए राइट ट्रायंगल, अगर राइट ट्रायंगल की साइड्स हैं ये, राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपरटेन्यूज है। ऐसे केसेस में हमें हाइपरटेन्यूज से नोट करना है कि हाइपरटेन्यूज क्या है। अब देखो हमारे पास क्या है, फर्स्ट है हमारे पास पार्ट 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 3 साइडेड दी हुई है। अगर ये सभी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हैं तो इट मींस हमारे पास जो सबसे बड़ी साइड है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा सम ऑफ अदर टू साइड्स के। तो हम करके देखते हैं, अगर वो इक्वल आता है तो राइट एंगल ट्रायंगल, अदरवाइज नहीं। साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल क्या है? 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी कौन है? 25। तो 25 स्क्वायर इज इक्वल टू 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या आएगा? 625 इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49। ये इधर 625 है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 625। दोनों साइड्स इक्वल हैं तो क्या बोल रहे हैं? दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। और इसके अंदर हाइपरटेन्यूज क्या होगा? सबसे बड़ी साइड होती है हाइपरटेन्यूज, तो क्या आ जाएगा? 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारे पास सेकेंड पार्ट, 8 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। 3 साइड्स हैं, साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? 8 सेंटीमीटर, 3 और 6 सेंटीमीटर। हाइपरटेन्यूज सबसे बड़ी साइड को लेते हैं हम, तो क्या है? 8 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। 8 स्क्वायर कितना आ जाएगा? 64 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 6 का स्क्वायर 36 है। इधर 64 है, 9 प्लस 36 कर देंगे तो क्या आएगा? 45। अब 45 और 64 इक्वल नहीं है, अगर इक्वल नहीं है तो क्या बोल देंगे? दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। नेक्स्ट है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर। 100 साइड्स ऑफ ट्रायंगल लिखेंगे पहले, 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर और 100 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी साइड कौन है? 100। तो 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू 50 स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर। 100 का स्क्वायर क्या आएगा? 10,000 प्लस 50 का स्क्वायर 2500 प्लस 80 का स्क्वायर 6400। दोनों को हम प्लस कर देंगे, इधर क्या रहेगा? 10,000 इज इक्वल टू 2500 प्लस 6400 को प्लस करेंगे 8900। अब ये दोनों इक्वल नहीं है तो क्या लगाएंगे? नॉट इक्वल, दिस इज नॉट ए राइट एंगल ट्रायंगल। लास्ट है हमारे पास 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या है? 13, 12 एंड 5 सेंटीमीटर। अब 13 सबसे बड़ी साइड क्या है? 13। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 आएगा इज इक्वल टू 12 स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। 144 प्लस 25 कर देंगे 169। तो दोनों साइड इक्वल आ गए तो क्या बोल देंगे? दिस इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। और इसमें हाइपरटेन्यूज क्या आएगा? जो सबसे बड़ी साइड है क्या है? 13। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, पी क्यू आर इज ए ट्रायंगल। हमारे पास क्या है? पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, राइट एंगल एट पी, जिसमें पी पर हमारे पास राइट एंगल है, मीन्स 90 डिग्री का एंगल है। एंड एम इज ए पॉइंट ऑन क्यू आर, और एम हमारे पास एक पॉइंट है किस पर? क्यू आर पर। सच दैट पी एम, पी एम है वो परपेंडिकुलर है किस पर? क्यू आर पर। इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल है। शो दैट, हमें प्रूव करना है पी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई एम आर। इसके इक्वल प्रूव करेंगे, देखो कैसे। गिवन हमारे पास क्या है? इन ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर एक ट्रायंगल है और एंगल पी पर क्या है? 90 डिग्री का एंगल एंड है। पी एम है वो परपेंडिकुलर है किस पर? क्यू आर पर। ये हमारे पास क्या है? गिवन। उसके बाद टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है? पी एम स्क्वेयर इज इक्वल टू क्यू एम इन टू एम आर, इनको प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे? प्रूफ, ट्रायंगल पी क्यू एम सिमिलर है ट्रायंगल पी आर एम, पी क्यू एम ये जो ट्रायंगल्स है ये सिमिलर दिखा देंगे किसके? पी आर एम के सिमिलर दिखा देंगे। कैसे? देखो हमारे पास ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं। कैसे हैं सिमिलर? हमने दोनों ट्रायंगल्स को बनाया पी क्यू एम, और ये हमारे पास क्या हो जाएगी? पी क्यू एम ये यहाँ पे आ जाएगी, और एम के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर। दूसरा हमारे पास क्या है? पी आर एम, पी आर एम एम के ऊपर क्या है? परपेंडिकुलर।
अब ये हमारे पास आ गया। अब देखो इन दोनों ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी कैसे दिखाएंगे, एंगल एम पर हमारी सिमिलरिटी है, क्या लिखेंगे, पी एम है वो किसके रेशनल में, आर एम, पी एम बाई आर एम आ जाएगा, और दूसरा क्या है, क्यू एम पर पेंडिकुलर है तो बाई पी एम आ जाएगा, क्यू एम बाई पी एम, दोनों से हमारे पास क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल, ये मिड है तो क्यू एम है वो किसके इक्वल आएगा, एम आर के इक्वल आएगा, तो ये भी हमारे पास इक्वलिटी हो जाएगी। इसी तरह से अगर हमारे पास ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो हम क्या कर देंगे कि पी आर सॉरी पी एम बाई आर एम इज इक्वल टू क्यू एम बाई पी एम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पी एम का स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू एम मल्टीप्लाई आर एम, ये हमारे पास आ जाएगा, ये हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दे रखा है, इन फिगर ए बी सी डी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट ए, ए पर हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है एंड ए सी, और ए सी है वो परपेंडिकुलर है किस पर, बी डी पर, शो दैट ए बी स्केयर, हमें प्रूव करना है ए बी स्केयर किसके इक्वल, बी सी प्लस बी सी मल्टीप्लाई बी डी के इक्वल है, ये हम प्रूव करेंगे। देखो गिवन में क्या है, ए बी सी डी एक राइट एंगल है, और एट ए, ए पर हमारे पास राइट एंगल है, ए सी है वो परपेंडिकुलर है हमारे पास किस पर, बी डी पर, हमें प्रूव क्या करना है, ए बी का स्केयर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई बी डी। अब प्रूव करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, दो ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हैं, ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ए, दोनों जो हमारे पास एक ट्रायंगल एक ट्रायंगल, दोनों में सिमिलरिटी दिखा देंगे। क्या है सिमिलरिटी, कि एक तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों में हमारे पास ये जो है ए बी, दोनों में ये साइड कॉमन हो जाएगी, एंगल बी है वो भी हमारे पास दोनों में कॉमन हो जाएगा, दो चीज़ हमारे दो एंगल, एक एंगल कॉमन हो गया एक साइड कॉमन हो गई हमारे पास, तो हम क्या बोल देंगे, यहाँ पर अगर 90 डिग्री है तो यहाँ भी 90 डिग्री है, एंगल सी भी इक्वल हो जाएगा, तो हम सिमिलर बोल सकते हैं ट्रायंगल्स को। और जब ट्रायंगल दोनों सिमिलर हैं तो हम क्या करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी डी ए, ए बी, ए बी हमारे पास क्या है, ये बेस है, तो ए बी बाई बी डी, बी डी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा पूरी की पूरी ट्रायंगल का, ए बी हमारे पास के सॉरी बेस नहीं हाइपरटेन्यूज, ए बी हमारे पास क्या हाइपरटेन्यूज, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री के जस्ट सामने क्या होता है हाइपरटेन्यूज, तो इस ट्रायंगल का हाइपरटेन्यूज क्या है ए बी, और जो हमारे पास ये पूरी ट्रायंगल इसका हाइपरटेन्यूज क्या है बी डी, इज इक्वल टू बी सी, बी सी हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा इस ट्रायंगल का, तो इधर से बेस इस पूरी ट्रायंगल का बेस क्या है ए बी, बी सी बाई ए बी क्रॉस कर देंगे, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई बी सी। नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड, ए सी स्केयर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई डी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, अब ट्रायंगल ए बी सी ले लेंगे और दूसरे ट्रायंगल ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को प्रूव कर देंगे, इन दोनों ट्रायंगल्स में हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री है तो यहाँ भी क्या आएगा हमारे पास 90 डिग्री आएगा, और 90 डिग्री के पास से जो हमने लाइन ड्रॉ कर रखी है वो हमारे पास क्या है ए सी, तो ए बी सी, ए बी सी एक तो ये ट्रायंगल हो गई, दूसरी ट्रायंगल क्या है ए डी सी, इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर हम सिमिलरिटी दिखा रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए सी, ए सी हमारे पास 90 डिग्री है, दूसरा इधर से जब हम लेके चल रहे हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा भाई बी सी, क्यों आ जाएगा बी सी, क्योंकि ए सी है ये हमारे पास क्या है इसका परपेंडिकुलर, और बी सी और बी डी हमारे पास इक्वल है, तो इधर से अगर हम लेके चलते हैं तो बी डी लिख सकते हैं, और बी डी और बी सी इक्वल है तो हम क्या लिख देंगे भाई बी सी इज इक्वल टू, दूसरा हमारे पास क्या है सी डी, सी डी हमारे पास इसका क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा, और जब ये ट्रायंगल है हमारे पास यहाँ पर अगर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है तो ये हमारे पास क्या बन गया बेस बन गया, तो क्या लिख देंगे सी डी बाई ए सी, अब दोनों के क्रॉस कर देंगे तो ए सी का स्केयर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई सी डी। नेक्स्ट है हमारे पास ए डी स्केयर, ए डी स्केयर किसके इक्वल है बी डी मल्टीप्लाई सी डी, अब इसके मल्टीप्लाई में है तो हम क्या करेंगे दोनों ट्रायंगल्स ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, पूरी की पूरी ट्रायंगल ले ली एक तो ए बी डी, दूसरी ट्रायंगल क्या ले ली ए सी डी, एक पूरी ट्रायंगल एक ये ट्रायंगल दोनों में एक तो डी एंगल हमारे पास कॉमन आ जाएगा, एक हमारे पास दोनों में ए डी कॉमन आ जाएगा, दो चीज़ कॉमन आ गई, थर्ड हमारे पास ये इसके मिड है तो ये कॉमन आ जाएगा, तो सिमिलरिटी हो जाएगी ट्रायंगल्स में, सिमिलरिटी है तो हम इसको प्रोपोर्शनलिटी में लिख देंगे कैसे, बी डी
बी डी हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हमारे पास पूरी ट्रायंगल है ए बी डी, तो बी डी हमारे पास क्या उसका हाइपरटेन्यूज है, और जो हमारे पास इन ट्रायंगल ए सी डी, ए सी डी ट्रायंगल में अगर हम हाइपरटेन्यूज लेके चलते हैं तो हमारे पास या 90 डिग्री का एंगल, 90 के सामने कौन होता है हाइपरटेन्यूज, तो इसका हाइपरटेन्यूज क्या हो जाएगा ए डी, तो क्या लिखेंगे बी डी बाई ए डी इज इक्वल टू, दूसरी साइड में हमारे पास क्या आ जाएगा ए डी बाई सी डी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका बेस है, इसका भी इसका तो हमारे पास ये आ जाएगा हाइपरटेन्यूज, सॉरी हाइट परपेंडिकुलर, इसका परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा ए डी बाई सी डी, ए डी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ए डी स्केयर इज इक्वल टू बी डी मल्टीप्लाई सी डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ए बी सी हमारी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है जिसके टू साइड्स इक्वल है, राइट एंगल एट सी और सी पर हमारे पास से राइट एंगल है, प्रूव करेंगे ए बी स्केयर, ए बी का स्केयर है वो इक्वल होगा टू ए सी स्केयर के। अब गिवन क्या है, सी पर हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है और आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो हाइपरटेन्यूज तो इक्वल होता नहीं, अदर दो साइड कौन है ए सी और बी सी, तो क्या लिखेंगे ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब प्रूव करना है ए बी स्केयर इज इक्वल टू टू टाइम्स ए सी स्केयर, बाई पी जी टी थ्योरम लगा देंगे ए बी का स्केयर इज इक्वल टू, ए बी का स्केयर किसके इक्वल होगा बी सी स्केयर प्लस ए सी स्केयर के इक्वल होगा, इधर ए बी स्केयर इज इक्वल टू ए सी स्केयर प्लस बी सी है, बी सी किसके इक्वल दे रखा था ए सी के, तो बी सी की जगह भी क्या लिख देंगे ए सी का स्केयर टू टाइम्स हो जाएगा, तो इसको क्या लिख देंगे टू टाइम्स ए सी स्केयर, यही हमें प्रूव करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी इज एन आइसोसेल्स ट्रायंगल, ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है विद ए सी इज इक्वल टू बी सी, जिसके अंदर ए सी है वो बी सी के इक्वल है, इफ़ ए बी का स्केयर इज इक्वल टू टू टाइम्स ए सी स्केयर, अगर ए बी का स्केयर है वो टू टाइम्स ए सी स्केयर है, तो प्रूव करना है ए बी सी इज ए राइट एंगल, कि ए बी सी है वो क्या है एक राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हमें क्या प्रूव करना है हाइपरटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर, गिवन में क्या है ए सी इज इक्वल टू बी सी एंड ए बी स्केयर इज इक्वल टू टू टाइम्स ए सी स्केयर, और प्रूफ क्या करना है कि ए बी सी क्या है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे ए बी का स्केयर किसके इक्वल है टू टाइम्स ऑफ ए सी स्केयर, अब ए बी स्केयर इज इक्वल टू ये टू टाइम्स है तो इसको ब्रेक कर लिया ए सी स्केयर प्लस ए सी स्केयर, एक बार तो ए सी स्केयर एज इट इज रख लिया, दूसरी बार ए सी है वो किसके इक्वल लिख दिया बी सी के इक्वल, तो उसको क्या लिख देंगे बी सी के स्केयर के इक्वल, अब ये हमारे पास क्या हो गया ए बी हमारे पास क्या हाइपरटेन्यूज स्केयर इज इक्वल टू ए सी परपेंडिकुलर स्केयर प्लस बेस स्केयर, और ये किसका फॉर्मूला हो जाता है पीजीटी थ्योरम का, तो क्या बोल देंगे सो ट्रायंगल एसीबी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट सी, जो कि सी पर राइट एंगल ट्रायंगल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 2a, ए बी सी हमारे पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड्स कितनी है 2a, फाइंड ईच ऑफ इट्स एल्टीट्यूड, इनका एल्टीट्यूड फाइंड करना है, इट मीन्स ए डी हमें फाइंड करना है। अब ए बी अगर हमारे पास साइड्स इक्वल इक्विलेटरल है तो सभी साइड्स इक्वल हैं, तो क्या आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, सभी किसके इक्वल हैं 2a के इक्वल हैं, और हमें फाइंड क्या करना है एल्टीट्यूड, तो हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसमें हमने क्या किया एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया तो बी डी है वो किसके इक्वल हो जाएगा डी सी के इक्वल हो जाएगा, और ये पूरा 2a था ये कितना हो जाएगा ए और ए, तो बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू किसके हो गया ए के इक्वल। अब हम ट्रायंगल ले लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, ए डी बी ट्रायंगल में हम क्या लिख देंगे ए बी का स्केयर इक्वल हो जाएगा ए डी स्केयर प्लस बी डी स्केयर के, ए बी हमारे पास कितना है 2a का स्केयर इज इक्वल टू बी डी स्केयर प्लस ए डी स्केयर, 2a स्केयर इज इक्वल टू बी डी हमारे पास कितना है ए स्केयर प्लस ए डी स्केयर, अब 2a स्केयर है इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 4a स्केयर आ जाएगा, ए डी स्केयर इज इक्वल टू इसको अपोजिट साइड लेके आए तो 4a स्केयर माइनस ए स्केयर आ जाएगा, 4a स्केयर में से ए स्केयर जाएगा 3a स्केयर, इधर स्केयर इधर लेके आएंगे रूट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3 के ऊपर रूट एज इट इज रहेगा, ए के स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा रूट 3a, एल्टीट्यूड हमारे पास क्या आ जाएगा रूट 3a। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्केयर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ए रोम्बस, एक रोम्बस है और रोम्बस की सभी साइड्स के स्केयर का सम इज इक्वल टू द सम ऑफ स्केयर ऑफ इट्स डायगनल्स, इसके जो डायगनल्स हैं उनके स्केयर के सम के इक्वल है। देखो ए बी सी डी एक रोम्बस है गिवन में इन विच ए सी और बी, ए सी और बी डी हमारे पास दो डायगनल्स है जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं बाईसेक्ट कर रहे हैं एट
अब हमें प्रूव करना है कि सभी साइड्स का स्क्वायर मींस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस डी ए स्क्वायर किसके इक्वल होगा, डायगनल्स के सम की। डायगनल क्या है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी डी स्क्वायर, इसके इक्वल प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, देखो वी नो दैट द डायगनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर दो डायगनल्स हमारे पास बाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो कितने डिग्री पर करते हैं, 90 डिग्री पर करते हैं। तो इट मीन्स हमारे पास यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो हर एक में 90 डिग्री बनेगा। एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ए ओ डी इज इक्वल टू डी ओ सी इज इक्वल टू सी ओ बी, सभी किसके आएंगे, 90 के इक्वल आएंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी हम ट्रायंगल लेके चल पड़े ए ओ बी। अब ए ओ बी में ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल है, ये 90 का है तो इसके सामने क्या होगा, हाइपरटेन्यूज। तो इट मींस ए बी का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, ए ओ स्क्वायर प्लस ए बी ओ स्क्वायर के इक्वल। ए बी हमारे पास एज इट इज रहेगा। अब ए ओ है, ए ओ को हम क्या लिख देंगे, ए सी का हाफ लिख देंगे, तो क्या लिख देंगे, 1/2 ए सी स्क्वायर। बी ओ, बी ओ को क्या लिख देंगे, बी डी का हाफ 1/2 बी डी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका करेंगे 1/4 ए सी स्क्वायर प्लस 1/4 बी डी स्क्वायर। दोनों में से 1/4 कॉमन लेके अपोजिट साइड लेके आए, क्या आ जाएगा, 4 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। इसी तरह से जब हम दूसरी साइड लेंगे इन ट्रायंगल, दूसरी हमारे पास ट्रायंगल बी सी, ये अगर हम ट्रायंगल बी ओ सी लेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, बी सी 4 बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी के स्क्वायर के इक्वल। सेकेंड इसी तरह 4 सी डी का स्क्वायर किसके आ जाएगा, ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ऐसे केस चारों इक्वेशन बना लेंगे हम। अब सभी को ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सभी की फर्स्ट है जो लेफ्ट है लेफ्ट में ऐड होगी, राइट है वो राइट में। 4 ए स्क्वायर, सभी में 4 कॉमन है तो 4 बाहर ले लिया। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब ए सी कितने टाइम्स है, 1 2 3 4 4 टाइम्स बाहर ले लिया ए सी स्क्वायर, और बी डी भी 4 टाइम्स है तो 4 बाहर ले लेंगे। ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर प्लस ए बी डी स्क्वायर के इक्वल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। इन द गिवन फिगर ओ इज से पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, हमारे पास एक फिगर दी हुई है जिसके अंदर ओ एक पॉइंट है इंटीरियर इन द ऑफ ए ट्रायंगल जो ए बी सी ट्रायंगल के अंदर है। ओ डी है, फिर उसके बाद ओ डी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है किस पर, बी सी पर। ओ ई परपेंडिकुलर कर रखा है ए सी पर, और ओ एफ है वो परपेंडिकुलर है ए बी पर। शो दैट, तब हमें प्रूव करना है। देखो पहले तो हमारे पास गिवन में क्या है, गिवन में हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है, ए ट्रायंगल ए बी सी इन विच ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए बी। प्रूव क्या करना है हमें, ये प्रूव करना है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, किस किस को ज्वाइन कर लिया, ओ से ए को ज्वाइन कर लेंगे, ओ से बी को ज्वाइन कर लेंगे और ओ से सी को ज्वाइन कर लेंगे। ये हमारे पास एक कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, ओ से ए को ज्वाइन कर लेंगे, ओ से बी को ज्वाइन कर लिया और ओ से सी को ज्वाइन कर लिया, तीनों को ज्वाइन कर लिया हमने। अब देखो क्या करेंगे, फर्स्ट में इन ट्रायंगल ए ओ एफ, ट्रायंगल आ गई हमारे पास ए ओ एफ, ये हमारे पास एक ट्रायंगल हो गई ए ओ एफ। इसके अंदर हमें क्या करना है, अब ए ओ एफ एक ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, और ये अगर 90 है तो इसके सामने क्या होगा, हाइपरटेन्यूज होगा। इट मीन्स हाइपरटेन्यूज क्या हो जाएगा, ओ ए, ओ ए का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, ओ एफ स्क्वायर प्लस ए एफ स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब ए एफ स्क्वायर निकाल लेंगे, ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू इसको उधर लेके आएंगे, ओ ए स्क्वायर माइनस ओ एफ स्क्वायर इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, बी डी ओ, बी डी ओ के अंदर क्या आएगा, डी पर 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने क्या है, बी ओ, तो ये हमारे पास हाइपरटेन्यूज हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, ओ बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, हमारे पास ओ डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के इक्वल। अब बी डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको उधर लेके गए तो क्या आएगा, ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम रख दिया। थर्ड है हमारे पास सी ई ओ, ट्रायंगल सी ई ओ, इसके अंदर ये हमारे पास यहाँ 90 ये 90 है तो इसके सामने हमारे पास हाइपरटेन्यूज है, तो ओ
सी स्केयर इज इक्वल टू ओ ई स्केयर प्लस ई सी स्केयर। सी ई स्केयर किसके इक्वल आ जाएगा, ओ सी स्केयर माइनस ओ ई स्केयर। इसको इक्वेशन 3 नाम दे देंगे, ऐड कर देंगे इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी ई स्केयर किसके इक्वल होगा, ओ ए स्केयर प्लस ओ बी स्केयर प्लस ओ सी स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर माइनस ओ डी स्केयर माइनस ओ ई स्केयर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 4 नाम दे दिया। ये तो हमें प्रूव करना था, ये हमने प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट में हमें क्या प्रूव करना है, ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी ई स्केयर किसके इक्वल है, ए ई स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस बी एफ स्केयर के। हमारे पास हमने प्रूव कर रखा है, ये क्या प्रूव कर रखा है, ओ ए स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर प्लस ओ बी स्केयर माइनस ओ डी स्केयर ओ सी स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर किसके इक्वल है, ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी ई स्केयर। अभी हमने प्रूव किया था, अब इसमें हमने पार्ट्स बना दिए, ओ ए स्केयर माइनस ओ ई स्केयर प्लस ओ सी स्केयर माइनस ओ डी स्केयर प्लस ओ बी स्केयर माइनस ओ एफ स्केयर, ये इसी के इक्वल रहेगा। अब देखो ओ ए स्केयर माइनस ओ ई स्केयर, ओ ए स्केयर माइनस ओ ई स्केयर, ये किसके इक्वल है हमारे पास, ओ ए, ये हमारे पास आ जाएगा ओ ए स्केयर माइनस कर देंगे ओ ई का स्केयर। अगर ओ ए स्केयर में से ओ ई स्केयर माइनस कर दिया तो क्या आएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए ई आ जाएगा। तो ये हमने लिख रखा है कि ए ई स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस बी एफ स्केयर। अब हमने क्या किया, इक्वेट कर लिया इक्वेशन नंबर 4 और 5 को। 4 और 5 को अगर हम इक्वेट कर रहे हैं तो हमारे पास दोनों में देखो, ये भी हमारे पास एक इक्वेशन थी, ये हमारे पास एक फिफ्थ इक्वेशन, तो हम क्या बोल देंगे कि ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी एफ स्केयर है। क्यों, क्योंकि इसी इक्वेशन से लेके चल रहे हैं हम, ये किसके इक्वल आ जाएगी, ए ई स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस बी एफ स्केयर के। इससे हमने ये निकाल ली, कैसे निकाली थी, ओ ए स्केयर माइनस ओ ई स्केयर क्या आ जाएगा, ए ई का स्केयर आ जाएगा। दूसरा क्या है, ओ सी स्केयर, ओ सी स्केयर माइनस कर देंगे ओ डी स्केयर। अगर इसमें से हमने ये माइनस कर दिया है तो क्या बचेगा, सी डी का स्केयर बचेगा। और थर्ड में क्या बचेगा, बी एफ स्केयर। इसलिए हमने इन दोनों को इक्वेट करके क्या बोल दिया कि ए एफ स्केयर प्लस बी डी स्केयर प्लस सी ई स्केयर किसके इक्वल आएगा, ए ई स्केयर प्लस सी डी स्केयर प्लस बी एफ स्केयर के इक्वल आएगा। आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।